माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है और इसके पिछले वीडियो में आपको इम्परेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल बताया गया था। अब आपको मैं इम्परेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्य बताऊंगा। कैसे हम जान पाएंगे कि कौन सेंटेंस ऐसा है जो इम्परेटिव सेंटेंस का हो और उसको हम लेट से प्रारंभ करेंगे, तो उसको जानने के लिए देखिए कैसे जान पाएंगे। तो देखिए, जब इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा कार्य करने का निर्देश यू आने तुम के लिए न होकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है और हिंदी वाक्य के अंत में दो दिया होता है, दो दिया होता है और उससे अने दो से उससे ठीक पहले क्रिया में ना नी ने दिया होता है या लगा होता है, तो अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले लेट से प्रारंभ किया जाता है। उसके बाद जिस व्यक्ति के संबंध में निर्देश होता है वह कर माने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है लेट के तुरंत बाद। फिर तीसरे स्थान पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, अगर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो और रखा जाएगा। जैसे समझ लीजिए, मैं आपको यहां पर इस तरह से बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए उसे खाना खाने दो, उसे खाना खाने दो, तो आपको यही बताया गया कि लेट वाले वाक्य हम कैसे जान पाएंगे। तो बताया गया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में दो दिया रहेगा और उस दो से ठीक पहले जो क्रिया होगी, देखिए खाना, तो जो क्रिया होगी उसमें ना नी ने दिया रहेगा, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम लेट से करेंगे और लेट के बाद तुरंत इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात जिसके बारे में निर्देश होता है। इस वाक्य में बताया जा रहा है कि यू के लिए निर्देश नहीं होगा, अब जिसके लिए निर्देश होगा उसको लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रखा जाएगा, उसके बाद फर्स्ट और रखेंगे। उसके बाद अगर इसमें जिसे निर्देशित किया जाता है वह इनडायरेक्ट होता है, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म जब रखेंगे तो उसके बाद अगर वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो उस क्रिया के बाद रखेंगे, नहीं रहेगा कोई बात नहीं। जैसे इसके देखिए बनाने के रूल, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के नियम, इसके सबसे पहले आप लेट रखेंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे, फिर अदर, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब अवश्य रहेगा। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बताया गया था जो किसे द्वारा उत्तर मिलता है वह इनडायरेक्ट होता है, जो क्या द्वारा उत्तर मिलता है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो लेट के तुरंत बाद इनडायरेक्ट रखेंगे। जैसे देखिए, मुझे खाना खाने दो, अभी बताया गया दो आया और उसके पहले नानी ने लगा है क्रिया में, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम सबसे पहले यहां पर लेट रखेंगे। और किसे निर्देशित किया गया है, मुझे अने किसे खाने दो, तो किसे द्वारा देखिए मिला है मुझे, तो यह जो मुझे है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अने मुझे का मतलब होता है मी, यहां पर हो जाएगा मी। देखिए लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसलिए लेट यहां पर आई नहीं होगा, जब भी होगा तो यहां पर और लेट के बाद ऑब्जेक्ट रखते हैं इसलिए मी होगा। उसके बाद फर्स्ट और रखेंगे खाने का अंग्रेजी ईट। अब देखिए अगर इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहां पर रखेंगे क्या खाने दो, खाना, तो देखिए इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है तो यहां पर हो गया फूड, लेट मी ईट फूड। उसे क्रिकेट खेलने दो, तो देखिए दो आया, इसके पहले क्रिया जो खेलना इसमें ना नी ने लगा है तो इसलिए आए, इसकी शुरुआत हम लेट से करेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, किसे खेलने दो, उसे, उसे का मतलब अब ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट ही के हिम, क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद फर्स्ट वर्ब खेलना, खेलना की अंग्रेजी होता है प्ले,
और क्या खेलना है, क्रिकेट, ये आपका हो गया क्रिकेट। लड़कों को घर जाने दो, तो लड़कों को घर जाने दो, तो देखिए दो आया, इससे पहले क्रिया में ना नी ने है, तो ने है इसीलिए इसकी शुरुआत हम लेट से करेंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे जाने दो, लड़कों को, तो द बॉयज हो जाएगा। फर्स्ट हो रखेंगे गो, किसके घर जाना अपने, तो अपने घर की अंग्रेजी होती है यहां पर होम। मुझे काम करने दो, देखिए यहां पर मुझे काम करने दो, तो दो आया, इससे पहले देखिए करना है, इसमें लगा है ने, तो ऐसे वाक्य की जो शुरुआत होगी हम लेट से करेंगे, किसे करने दो, मुझे, तन मी हो जाएगा। उसके बाद क्या करने, देखिए इसके बाद हमको रखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या है करना, करना की अंग्रेजी हो जाएगा डू। क्या करने दो, अपना काम, तो देखिए अपना आया फिर काम आया है, तो इस लेट वाले वाक्य में जब हम अपने की अंग्रेजी रखेंगे तो जो लेट के बाद यहां परिक्त होता है ऑब्जेक्ट उसी के अनुसार रखते हैं। यदि यहां पर मी है तो अपने की अंग्रेजी हो जाएगा माई वर्क, अगर यहां पर हिम रहेगा तो ही के अनुसार, सी हर रहेगा तो सी के अनुसार, ईट रहेगा तो ईट के अनुसार यहां पर रखेंगे, अगर किसी का नाम पुरुष का रहेगा तो अगर एक वचन होगा पुरुष होगा तो ही के अनुसार, स्त्री होगी तो सी के अनुसार, अगर एक वचन होगी तो बहुवचन अगर यहां पर होता है तो दे के अनुसार देयर, अगर यहां पर देम होगा तो अपने की अंग्रेजी देयर। तो यहां लेट के बाद जो परिक्त होगा ऑब्जेक्ट यानी उसके सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इसको अपने की अंग्रेजी रखेंगे, इसमें यू के अनुसार अपने की अंग्रेजी नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको ऊपर बताया गया है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा कार्य करने का निर्देश यू को ना होकर किसी अन्य व्यक्ति को होता है तो ऐसे वाक्य की शुरुआत और इसके अंत में दो दिया रहे उसके पहले ना नी ने दिया होता है, तो ऐसे वाक्य की शुरुआत हम लेट से करते हैं, तो जानते हैं कि यू को ना होकर किसी अन्य व्यक्ति को होता है, तो जिस व्यक्ति को यहाँ पर निर्देश होता है उसी के अनुसार अपने की अंग्रेजी रखते हैं। जैसे देखिए मोहन को अपनी पुस्तक पढ़ने दो, तो दो आया इससे पहले ना नी ने है तो यहाँ पर लेट लिखेंगे, फिर उसके बाद किसे, मोहन को, तो यहां पर हो जाएगा मोहन, पढ़ने का अंग्रेजी हो जाएगा रीड, क्या अपनी पुस्तक, तो मोहन के साथ अपनी की अंग्रेजी हो जाएगा हिज बुक, इस तरह से। अगर इस सेंटेंस में आपको निगेटिव बनाना है, अगर इस सेंटेंस का निगेटिव बनाना है तो बस आप क्या करिएगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर नॉट लगा देंगे, यानी लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और जो अदर रहेगा। इसके निगेटिव बनाने के और भी रूल हैं, दूसरा रूल है आप चाहें तो यहां पर पहले डू नॉट या डोंट रख सकते हैं, चाहें तो डू नॉट या डोंट रख सकते हैं, उसके बाद लेट रखिए, लेट फिर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जब यहां डू नॉट पहले आई डोंट लिख देंगे तो नॉट यहां नहीं लिखेंगे, फिर फर्स्ट वर्ड प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, फिर जो बचेगा यहां पर रख दिया जाएगा, नहीं रहेगा कोई बात नहीं, इस तरह से निगेटिव होगा। इसमें मत या न आ जाएगा, मत या न, तो समझ जाएगा कि निगेटिव हो गया, उसे खेलने मत दो, उसे खाने मत दो, उसे दौड़ने मत दो। जैसे देखिए निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, सबसे पहले आपको बताया गया अभी कि लेट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉट, फिर फर्स्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर, या दूसरा रूल बताया गया डू नॉट या डोंट, लेट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर फर्स्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो बचेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा कुछ कोई बात नहीं। जैसे देखो उन्हें यहां मत बैठने दो, तो देखिए दो आया उससे पहले जो क्रिया है बैठने ने आया है, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत तो हम पहले लेट से कर देंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किन्हें, उन्हें, उन्हें का मतलब वे की अंग्रेजी होता है दे, आ, दे को ऑब्जेक्ट चूंकि रूप में रखेंगे यहां पर देम, और निगेटिव है मत, तो यहां पर हो जाएगा नॉट। अब फिर इसके बाद नॉट हो गया फर्स्ट वर्ब, बैठना का अंग्रेजी सीट,
यहाँ के अंग्रेजी हो जाएगा हियर, सिट हियर। आपको बताया गया चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, डू नॉट या डोंट, फिर लिखेंगे लेट इस रूल से, लेट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देम, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ब सिट, और यहाँ की अंग्रेजी हियर। देखिए इन शैतान बच्चों को यहां मत खेलने दो, दो आया इसके पहले क्रिया में नानी ने लगा है, मत आया निगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए इसकी शुरुआत हम लेट से करेंगे, दो आ गया तो। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहे, किसे मत खेलने दो, इन शैतान बच्चों को, तो इन शैतान बच्चों की अंग्रेजी हो जाएगा दीज नटी, एन ए यू जी एच ए टी वाई नटी चिल्ड्रेन, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन। इसके बाद यहाँ पर नॉट, आप फिर फर्स्ट वर्ब रखना है, तो फर्स्ट वर्ब हो जाएगा प्ले, और फिर यहाँ यहाँ की अंग्रेजी हो जाएगा ही है। आप चाहे तो इससे भी बना देंगे, डू नॉट या डोंट, यहाँ पर लिख दीजिए डोंट, फिर लिखे लेट इस रूल के अनुसार, लेट, लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा दीज नटी, नटी एन ए यू, यहाँ पर ऊपर वाले में गलत है, एन ए यू जी एस टी वाई होता है, एन ए यू जी एस टी वाई नटी चिल्ड्रेन, शैतान का मतलब नटी होता है, नटखट भी होता है वही, दीज नटी चिल्ड्रेन। उसके बाद प्ले, चूंकि नाट नहीं रहेगा, नाट डोंट यहां रख दिया गया है, फिर हियर। फिर देखिए उसे गाना मत गाने दो, उसे गाना मत गाने दो, दो आया इसके पहले, देखिए गाने में आया, मत आया निगेटिव, तो पहले शुरुआत लेट से करिए, लेट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे, उसे, तो उसे का हिम, उसके बाद नाट, फर्स्ट फॉर्म गाने की अंग्रेजी सिंग, असंग, इस तरीके से। और चाहे तो आप डू नॉट या डोंट से बना दें, जिससे आपकी इच्छा हो। तो अभी बताया गया कि जब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा कार्य करने का निर्देश यू को न होकर किसी अन्य व्यक्ति को होता है और हिंदी वाक्य के अंत में दो आता है और उससे ठीक पहले क्रिया में नानी ने लगा होता है, ऐसे वाक्य की शुरुआत लेट से करते हैं और लेट के बाद जिसे निर्देश दिया जाता है उसको रखते हैं अपडेट के रूप में। परंतु एक लेटेस्ट वाला वाक्य होता है, जैसे देखिए लेटेस्ट वाला वाक्य, लेटेस्ट वाला वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे वाक्य होंगे जो लेट के बाद एकदम स्पष्ट रहेगा कि उसके लेट के बाद आज का प्रयोग अवश्य रहेगा। तो ऐसा सेंटेंस कैसे हम जान पाएंगे कि लेट के तुरंत बाद आस रहने वाला वाक्य कौन सा है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो उस कार्य को कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही करें यह निर्देश होता है। और हिंदी वाक्य में आओ ऐसा करें ऐसी वाक्य रचना होती है तो अंग्रेजी में सबसे पहले लेटेस्ट लिखते हैं, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म लिखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें दिया है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा प्रस्ताव के भाव का बोध होती है, प्रस्ताव क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर शादी है और लड़के पक्ष जो लड़की पक्ष वाला आया हुआ है और आप उसके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि यदि आप इतना देंगे तो मैं शादी करूंगा, नहीं देंगे तो नहीं करूंगा, अर्थात दोनों सहमत होंगे तभी होगा। तो कहने का मतलब है कि उस कार्य को मैंने कोई कार्य हो रहा है उसको कहने वाला और सुनने वाला दोनों अगर करें, ऐसा निर्देश हो, आओ ऐसा करे का मतलब, आओ ऐसा करे का मतलब आओ खाना खाएं, आओ दूध पिए, आओ दिल्ली चलें,
आओ क्रिकेट खेलने चले, आओ ताजमहल देखने चले, अने आओगे तभी चलूंगा अन्यथा नहीं, ऐसा निर्देश है। जैसे मैंने कहा कि आओ क्रिकेट खेलने चले, इसका मतलब यह हो गया कि तुम आओगे और मैं, दोनों लोग मिलेंगे, मैं और तुम हो जाएंगे हम, तब चलेंगे खेलने, अन्यथा अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, ऐसा ही है। जैसे आपने प्रस्ताव रख दिया परीक्षा में कि अगर तुम मुझे हिंदी बताओगे तो मैं तुम्हें संस्कृत बताऊंगा, यह प्रस्ताव हो गया कि अगर बताओगे हिंदी तभी संस्कृत बताऊंगा अन्यथा नहीं। तो यहां पर दोनों मिलकर अगर काम करते हैं, कहने वाला और सुनने वाला, तो ऐसे वाक्य प्रस्ताव होते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके वाक्य में आओ या आओ हम, आओ या आओ हम आता है, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम लेट अस से कर देते हैं। अगर वाक्य में आओ या आओ हम आता है तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत लेट अस से कर देते हैं। जैसे देखिए इसके बनाने के नियम, सबसे पहले आप अगर वाक्य जान जाते हैं आओ, देखिए आओ या आओ हम आता है, तो ऐसे वाक्य शुरुआत हम लेट अस से करेंगे, उसके बाद फर्स्ट वर्ब रखेंगे। अगर आप देख रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर अदर जो भी रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं। जैसे देखिए आओ हम खेलें, आने आओ या आओ हम दिया रहेगा तो आपको बताया गया, तुरंत आप लिख दीजिएगा लेट अस, फिर फर्स्ट वर्ब रखिएगा। खेलने का अंग्रेजी क्या होता है? प्ले। आपकी अंग्रेजी नाउ, लेट अस प्ले नाउ। इसको शॉर्ट फॉर्म में लेट अस को लेट्स भी लिख सकते हैं, लेट्स इस तरह से, यार लेट्स, लेट अस को हम लेट्स भी लिख सकते हैं, चाहे लेट लिखें चाहे लेट अस, लेट अस प्ले नाउ। आओ हम दौड़ें, आने आओ तुम और मैं दोनों मिलकर दौड़ें, अर्थात दोनों कार्य को करें, आओ हम ऐसा करें, यह प्रस्ताव है। तो हो जाएगा लेट अस, आओ या आओ हम, दोनों बातें कही है, आओ या आओ हम रहेगा, लेट अस से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट वर्ब रखेंगे। फर्स्ट वर्ब क्या है? दौड़ने का अंग्रेजी रन। अब देखिए आओ ताजमहल देखने आगरा चलें। यहां पर देखिए इस वाक्य में आओ आया है, आओ ताजमहल देखने आगरा चलें, आओगे तभी चलेंगे अन्यथा नहीं, ऐसा वाक्य से लग रहा है। तो आओ या आओ हम रहेगा, तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत आप लेट अस से कर दीजिएगा। उसके बाद या ध्यान रखिए, इसमें फर्स्ट वर्ब रखेंगे, इसमें दो वर्ब, एक देखना है और एक चले, तो जब वाक्य में दो क्रियाएं आती हैं तो एक क्रिया को इन्फिनिटिव बना देंगे, अर्थात दूसरी जो क्रिया होगी उसके पहले टू लगा देंगे। जो अंतिम क्रिया है, देखिए इस वाक्य में अंतिम क्रिया क्या, चलना, यह तो नियम पर काम करेगी, लेकिन जो दूसरी क्रिया रखेंगे तो उस क्रिया को रखने से पहले हम टू लगा देंगे, यानी उसको इन्फिनिटिव बना देंगे। तो देखिए आओ ताजमहल देखने आगरा चले, तो अंतिम वर्ब इसमें देखिए दो वर्ब है, चलना और देखना, तो अंतिम वर्ब को पहले रखेंगे आप गो। अब इस जो अंतिम वर्ब है इसका जो भी काम है सब पहले उसको रखिएगा। तो क्या चलने के लिए कर रहा, कहां चलने के लिए कर रहा, आगरा, तो इस क्रिया के तुरंत बाद इसको रखेंगे, जो एक काम कर रहा है जाना, इसको कहां है आगरा, तो इसको रखिएगा आगरा, ए जी आर ए, आगरा। उसके बाद आगरा चले, क्या कर रहे, ताजमहल देखने, तो अब देखने की बारी आ गई, तो यह देखना, देखने की अंग्रेजी रखने से पहले टू सी, आ क्या देखना है, इसका ऑब्जेक्टिव है ताजमहल, तो इसके बाद रखिएगा दिताज महल। आओ स्कूल चले, तो देखिए आओ या आओ हम रहेगा, तो किससे शुरुआत करेंगे, लेटर से, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, चलना अंग्रेजी गो, कहां जाना है स्कूल, तो गो टू स्कूल। उसी तरह देखिए आओ क्रिकेट खेलें मऊ चलें, तो आओ, तो लेट अस,
फिर फर्स्ट वर्ब रखेंगे, फर्स्ट वर्ब देखिए इसमें दो वर्ब है तो अंतिम वर्ब है चलना, चलना का गो कहाँ जाना है टू मऊ, इसको लिख दीजिए पहले मऊ, क्या करने क्रिकेट खेलने, तो दूसरे वर्ब जो है खेलना है तो जब रखेंगे तो इससे पहले एकदम टू लगा देंगे प्ले और फिर क्रिकेट। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।